मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता अभी तक सोए हुए थे, वे सभी चुनावी साल में अब जाग रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि चुनावी साल में सोए हुए कांग्रेसी नेता अब जाग रहे हैं, चार साल से ये सभी प्रदेश में सो रहे थे, चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जनता के बीच जाना है तो अब कांग्रेस ही किस मुंह से जाएंगे, इसलिए वे सभी हल्ला कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद संकट है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि खाद का कोई संकट नहीं है, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। और रही बात विधायकों की चिट्ठी लिखने की, तो वो उनका अधिकार है जिसके लिए सरकार की जवाबदेही है। पटेल ने कहा, विधायक गण हमें बताएं कि खाद की सुचारू व्यवस्था कहाँ ठीक नहीं है, वहाँ तुरंत व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। चुनाव साल में सारे नेता जो है वो अब जाग रहे हैं, चार साल तक जो सोए हुए थे वो जाग रहे, हर जगह वो सोचते श्रेय मिले ताकि हमको चुनाव में बोले, इसलिए जबरदस्ती चिंता रहे, ठीक है ना। लेकिन कोई समस्या नहीं है और विधायक का काम है चिट्ठी लिखने का, हम कह रहे हैं हम देंगे पर्याप्त खाद, कोई कमी नहीं है, अच्छा वितरण हो रहा है। देखिए कांग्रेस अब खत्म हो गई, कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई जनता में भी, अब उनके कार्यकर्ताओं नेताओं में भी, राहुल गांधी के कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता है, और इसलिए अब वो जो भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस बचाओ है, जैसे तैसे कार्यकर्ता जुड़े रहे, और कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम तो देखो हमारे लिए देश है, हम देश के लिए काम करते हैं, आने के बाद में शुद्ध होकर सब देश के लिए काम करने लगेंगे। कृषि मंत्री पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर बढ़ चुकी है, कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है, जनता के बीच कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है, क्योंकि जो बचे खुचे कांग्रेसी कार्यकर्ता है वे कांग्रेस में बने रहे, इसलिए कांग्रेस बचाओ यात्रा कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक भाजपा में आना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है, हमारी पार्टी राष्ट्र हित राष्ट्र धर्म के लिए काम कर रही है, ऐसे में जो राष्ट्रवादी होंगे वे भाजपा में आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है, जो लोग अपने आप को कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वे सुरक्षित स्थान की तलाश में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हम किसी को लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये तो खुला है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ, तो कांग्रेस के नेता पछता रहे कि यार हमने 60 साल फकुर खराब किए, कांग्रेस ने एक सड़क बना, लोग हमको गालियां दे रहे हैं, 60 साल में बताओ एक शौचालय बनाया क्या कांग्रेस ने, 60 साल में एक मकान बनाया क्या, पीने के पानी की व्यवस्था की क्या, सड़कें बिजली करी क्या, कुछ नहीं किया, और इसलिए वो तो सब भाग भाग के आ रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य नहीं, देखो डूबती नाव में कोई नहीं बैठना चाहता, इसलिए कांग्रेस डूबती नाव है, और इसलिए कांग्रेस से कूद कूद के लोग आ रहे हैं सुरक्षित, जो जिनको राजनीति करनी है, जिनका भविष्य दिख रहा है राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में कांग्रेस किसी का भी कोई भविष्य नहीं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।